हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, ये जो प्लांट है, ये फाइकस की कोई वैरायटी है, तो इसकी मैंने रूट प्रूनिंग की। इसको लगाए हुए 4 साल हो गए थे, लेकिन मैं इसको रूट प्रूनिंग नहीं कर पाई। तो आप देख सकते हो, ये इसकी रूट है, ठीक है। जो इसका रूट बॉल था ना, उसके बराबर ये हो गई, देखो आप। तो टाइमली अपने को प्लांट की रूट प्रूनिंग कर देनी चाहिए। तो अब मैंने कल इसको सब इसकी रूट प्रूनिंग करके और फिर मिट्टी में अच्छे से फर्टिलाइज़र डाल के, जिसमें मैंने इस बार वर्मी कंपोस्ट डाला है, क्योंकि मेरे को मिंगनियों की खाद नहीं मिल रही है। और उसके साथ मैंने थोड़ी सरसों की खली भी डाल दी, क्योंकि एक आटा छाटे में कहीं कुछ हो ना जाए। तो एक मेरा ये प्लांट है, और इसका पॉट भी आप देख सकते हो काफ़ी बड़ा है, और इसकी भी मैंने कर दी। और ये मेरे 2 फाइकस के प्लांट है, जिसको मैंने ऐसे इसकी टोप्यारी बनाई है। तो इसको 3 हिस्से में डिवाइड करके और ये राउंड शेप दी है। तो अब ये जैसे जैसे बढ़ेगा, और मैं इसको फिर से सेव देती रहूँगी, तो ये काफ़ी सुंदर लगे। इसके साथ ही मेरा एक ये फाइकस का प्लांट हो रहा है, तो इसको मैंने ऐसे सेव दिया ऊपर, तो इसको राउंड रखा है, और ये जो पोर्शन ऐसे पड़ेगा ना, तो इसको इधर से ऐसे गोलाई में दे दूँगी और ये एक गोला बन जाएगा। तो इसमें भी मैंने खाद वाद दे के सब तैयार किया है। तो फ्रेंड्स, अभी जो ये फरवरी का महीना है, तो इसमें सभी गार्डनर को अपने प्लांट्स को फर्टिलाइज़र देना या रिपोर्टिंग करना, जिसकी रूट बाउंड हो गई तो उसकी रूट काट के तैयार करने का मौका है। आप भी फ्रेंड्स ऐसे करके अपने प्लांट को हेल्दी बना सकते हो, और आगे समर में ये अच्छे से बढ़ सके। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा आप बताना, और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना, ताकि आगे भी मैं आपको ऐसे ही हेल्दी प्लांट्स बता सकूं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, बाय फ्रेंड्स, हैप्पी गार्डनिंग, थैंक यू।